सब्सक्राइब कीजिए फ्री हिंदी एडवाइस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए। मेकअप करना और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना औरतों और लड़कियों को बहुत आकर्षित करता है। यहाँ तक कि मेकअप की आड़ में आकर अन्य सुंदर लोगों को देखकर उनके जैसा बनने की इच्छा भी जागरूक होती है। किसी भी प्रकार का मेकअप उत्पाद जैसे काजल, फाउंडेशन, क्रीम, पाउडर या कोई भी अन्य उत्पादों में लगभग सभी उत्पादों को बनाने के लिए केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जो त्वचा की चमक को कम करने में और अन्य रोगों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। आइए जानते हैं रोज रोज चेहरे पर मेकअप लगाने से यह किस तरह से त्वचा को बेजान और कमजोर बनाता है। मुहांसे भी एक कारण, अन्य अंगों की तरह त्वचा भी हमारे शरीर का बहुत सेंसिटिव हिस्सा है, जिसे स्वस्थ रहने के लिए सांस लेने की जरूरत होती है। ऐसे में यदि आप अपनी त्वचा को मेकअप से ढक देते हैं तो इससे त्वचा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे मुहांसे होना एक आम समस्या बन जाती है। यहां तक कि कई प्रकार के लिक्विड पदार्थ और क्रीम का प्रयोग करने से यह त्वचा के रोम छिद्र को भी बंद कर सकता है। मेकअप लगाने वाली अधिकतर महिलाओं के लिए मुहांसे की समस्या अक्सर होती रहती है। बढ़ती उम्र में नुकसानदायक, जहां एक तरफ मेकअप आपके चेहरे की खामियों को ढकने और सुंदर बनाने में मदद करता है, वहीं दूसरी तरफ इसे लंबे समय तक त्वचा पर लगाए रहने से यह त्वचा के कोलेजन में अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे त्वचा की नई कोशिकाओं का विकास भी रुक जाता है। फलस्वरूप चेहरे पर कई तरीके की परेशानियां जैसे जूरिया, लटकी हुई स्किन और कई प्रकार के नकारात्मक असर हो सकते हैं। इसलिए मेकअप लगाने की अधिकता से बचें। आंखों के लिए हानिकारक, त्वचा के साथ साथ आंखों और उसके आसपास का एरिया भी बहुत संवेदनशील होता है, और ऐसे में जब विशेषकर महिलाएं आंखों पर मेकअप लगाती है तो इसमें मिले केमिकल्स के कारण यह आंखों के लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। आंखों में अधिक काजल या मुस्कुरा लगाने से आंखों के झिल्ली पर गलत प्रभाव पड़ता है और साथ ही बैक्टीरिया के प्रभाव को भी बढ़ाता है, जिससे आंखों में घाव, जलन, खुजली और अन्य प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं। सिर दर्द की परेशानी, जी हाँ, यदि आप चेहरे पर मेकअप लगाने के शौकीन हैं और साथ ही सिर दर्द की परेशानी से भी ग्रसित है तो सिर दर्द का एक कारण मेकअप लगाना भी हो सकता है। दरअसल कॉस्मेटिक उत्पादों में डाइजोलिनाइन, यूरिया और एमडीएम हाइडांटोनिन जैसे रसायन मिले हुए होने के कारण यह सिर दर्द, आंखों में जलन, स्मिथ झिल्ली की जलन आदि में नुकसान पहुंचाते हैं। सिर दर्द होने पर इसके कारण को जानने के लिए कुछ दिनों के लिए कॉस्मेटिक उत्पादों और श्रृंगार से दूर रहें। हार्मोन का स्तर बिगड़ना, कॉस्मेटिक उत्पादों का लगातार और लंबे समय तक प्रयोग करने से यह आपके शरीर में हार्मोन के लेवल को भी गड़बड़ा सकता है। सौंदर्य प्रसाधनों में ट्राक्लासन नामक एक रसायन, जो लगभग सभी उत्पादों में प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से त्वचा को साफ करने वाले उत्पादों जैसे स्क्रब और डिओड्रेंट में पाया जाता है, लेकिन लगातार इन सभी के उपयोग से यह त्वचा में अवशोषित होता है, जिससे हार्मोन का स्तर बिगड़ता है और साथ ही थायराइड ग्रंथि को भी प्रभावित करता है। थायराइड की परेशानी होने के कारण यह सिर दर्द, डिप्रेशन और वजन घटाने जैसी परेशानियों का भी कारण बनता है। स्किन एलर्जी की समस्या, कॉस्मेटिक उत्पादों में हानिकारक केमिकल्स जैसे एसिड पैराबेन, ब्यूटिली पैराबेन और आइसोप्रोपिल पैराबेन मिला होता है, जो मुख्य रूप से जीवाणु वृद्धि को रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव की तरह कार्य करता है, लेकिन कभी कभी यह सही तरह से कार्य करने की बजाय चेहरे पर मुहांसे, दाग धब्बे, जलन और अन्य कई प्रकार की घातक एलर्जी भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का कॉस्मेटिक उत्पाद खरीदने से पहले उसमें मिले हुए पदार्थों की जानकारी जरूर लें। बालों के लिए हानिकारक, लोगों को सुंदरता की ओर आकर्षित करने के लिए मार्केट में न जाने कितने तरह के हेयर जेल, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर सीरम और हेयर स्प्रे जैसे उत्पाद उपलब्ध है। यह सारे उत्पाद आपके बालों को बाहरी तौर पर सुंदर व चमकदार तो बनाते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर यह बालों के झड़ने की परेशानी, बालों का पतलापन, रूसी, सिर की लाली जैसी परेशानियां भी उत्पन्न कर सकता है। यहाँ तक कि लोग अपने बालों का रंग बदलने के लिए हेयर कलर का प्रयोग बहुत ही चाव से करते हैं, लेकिन यह आपके बालों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप इस वीडियो और हमारे चैनल के अन्य वीडियो में दी गई जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट freehindiadvice.com पर जरूर विजिट कीजिए, जिसमें वीडियो के साथ साथ टेक्स्ट में भी सब जानकारी उपलब्ध है। इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जो 100% फ्री है। थैंक यू।